हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल वेलकम इन सर्च में ऑल इन वन दुनिया। आपका आप ही के चैनल में स्वागत है जी। तो आज हम एक यूनिवर्सिटी लेकर आए हैं, भारतीय विश्वविद्यालय। इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। ये यूनिवर्सिटी स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। UGC के अकॉर्डिंग ये 2021 में इस्टेब्लिश हुई और ये दुर्ग छत्तीसगढ़ में है जी। तो यही इन्फॉर्मेशन विकिपीडिया में दी गई है, बाकी ऑब्जेक्टिव है, ये कुछ बेसिक डिटेल है। तो आगे हम डिटेल से इसकी चर्चा करेंगे, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें, अगर आप इसी यूनिवर्सिटी में ज्वाइन होते हो तो ये फर्स्टली तो ये एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशन पर्पज से वीडियो बनाई जा रही है। और अगर आप इसी यूनिवर्सिटी में ज्वाइन होते हो एज ए फैकल्टी, एज ए स्टूडेंट, तो जो भी यूनिवर्सिटी नॉर्म्स या रूल्स हैं उनको आप फॉलो करके आगे कंटिन्यू कर सकते हैं जी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं यूनिवर्सिटी के बारे में फुल डिटेल। जैसे वेबसाइट पर क्लिक करके कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने होगा। ऊपर आप देख सकते हो भारतीय विश्वविद्यालय UGC अंडर सेक्शन 2F। इधर आप होम, अबाउट अस, कोर्सेज, डिपार्टमेंट, गैलरी, करियर, फी स्ट्रक्चर, कॉन्टेक्ट अस, और इधर इंक्वायरी नाउ का ऑप्शन। फिर इधर लेटेस्ट अपडेट, अपडेट के लिए आप यहाँ क्लिक कर सकते हैं। फिर यहाँ पे यूनिवर्सिटी का फुल एड्रेस, ऑफिशियल नंबर और ऑफिशियल ईमेल एड्रेस। उसके बाद यहाँ पे फॉर स्टूडेंट के लिए स्टूडेंट लॉगिन, डिफरेंट सेल एंट्री, रैगिंग, वुमेन हेल्पलाइन सेल या कॉन्टेक्ट नंबर, मैंडेटरी डिस्क्लोजर। उसके बाद है अप्रूवल, UGC, AICT, NCT, PCI, BCA और राजस्थान बोर्ड से, राजभवन। और उसके बाद है प्राइवेट पॉलिसी, रिफंड पॉलिसी। उसके यहाँ पे हम चर्चा करेंगे इंपॉर्टेंट लिंक में, जिसमें स्टूडेंट लॉगिन, ऑनलाइन एग्जाम फॉर्म, रिजल्ट, सिलेबस, RTI, एकेडमिक कैलेंडर, एनुअल एग्जाम टाइम टेबल, स्कॉलरशिप, नोबल ऑफिसर, TNP ऑफिसर, डाउनलोड एडमिट कार्ड और टाइम टेबल। उसके बाद है आयुर्वेद एंड मेडिकल कॉलेज जी। तो ये इनका है आयुर्वेद एंड मेडिकल कॉलेज, जो कि छत्तीसगढ़ में ही है। जो इनके बारे में पूरी डिटेल यहाँ पे दी गई है, डिपार्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, कमेटी, क्लिनिकल फैकल्टी और मीडिया कॉन्टेक्टर्स जी। तो यहाँ पे आपको सिर्फ एक बार बताना है, बाकी फिर कभी आपको कॉलेज के बारे में आपको बताएंगे। सिर्फ आज बेसिक वैसे बता देते हैं कि इनके कॉलेज कौन कौन से हैं, जैसे आयुर्वेद और मेडिकल कॉलेज है, फिर नर्सिंग कॉलेज है। इसके बाद भारतीय कॉलेज ऑफ नर्सिंग, ये नर्सिंग कॉलेज का है, लगभग सेम है, कुछ एक डिफरेंशिएट रहेंगे। उसके बाद है भारतीय फार्मेसी कॉलेज, और उसके बाद भारतीय कॉलेज और भारतीय एग्रीकल्चर। ये ओपन नहीं हो रहा, तो ये कॉलेज के बारे में हम फिर किसी दिन डिस्कस करेंगे। फर्स्टली आप आज हम यूनिवर्सिटी के बारे में आपको बताएंगे। अगर आप कॉलेज के बारे में, जो इनके हैं उसी नेम से ही है, अदर नेम से नहीं है भारती, तो इनके कॉलेज पे आप जाके विजिट कर सकते हैं। अगर आपको आयुर्वेद या मेडिकल कॉलेज से रिलेटेड डिटेल चाहिए, नर्सिंग से, फार्मेसी से कॉलेज या एग्रीकल्चर कॉलेज,
इनसे रिलेटेड अगर आपको डिटेल चाहिए तो आप यहाँ पर क्लिक करके अकॉर्डिंग टू कोर्स वाइज आप डिटेल ले सकते हैं जी। तो फर्स्ट यहाँ पे आपको रहेगा होम, होम का आपको बता ही दिया, अबाउट अस में अबाउट सोसाइटी जी। तो यहाँ पे कुछ बेसिक थिंग्स दी गई हैं अबाउट अस में, तो ये आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद है चांसलर मैसेज, चांसलर कौन है यूनिवर्सिटी की, वो मिस्टर सुशील जी हैं चांसलर। उसके बाद अगर वाइस चांसलर की बात करें कि वाइस चांसलर कौन है और उनका मैसेज, और जो वाइस चांसलर है वो डॉक्टर एच के पाठक जी हैं, और जॉइंट डायरेक्टर वो है मिसेज शालिनी जी। उसके बाद रजिस्ट्रार मैसेज वो है डॉक्टर विदेंद्र कुमार जी, रजिस्ट्रार की अगर बात करें। फिर गवर्निंग बॉडी, अगर आप मैनेजमेंट के बारे में डिटेल चाहते हो अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज एज ए पोस्ट वाइज, तो आप यहाँ पे आके डिटेल ले सकते हैं जी। तो यहाँ पे ये पूरी डिटेल मेंशन है। उसके बाद गवर्निंग बॉडी, बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट, PIO, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, UGC रिकॉग्नाइजेशन जी। तो ये सब यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद अगर आप नोटिफिकेशन चाहिए जैसे DRC का, कोर्स वर्क का, UGC का, फिर उसके बाद अग्निवीर योजना, मतगणना पंजीकरण, तो इस तरह की डिटेल यहाँ पे दी गई है, तो आप ले सकते हो। अगर कोई बिल पास हुआ, एक्ट पास हुआ है, तो यहाँ पे आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं जी। तो ये थी कुछ बेसिक डिटेल। बाकी अगर हम आए कोर्सेज में, इसमें कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं, तो फर्स्ट है आर्ट्स, ह्यूमैनिटी एंड सोशल साइंस, सेकंड है साइंस, थर्ड है एजुकेशन एंड टीचर ट्रेनिंग, फोर्थ है बिजनेस एडमिन, कॉमर्स, मैनेजमेंट एंड फाइनेंस, नेक्स्ट है हेल्थ एंड अलाइंस साइंस, नेक्स्ट फार्मेसी, फिर नेक्स्ट लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, नेक्स्ट लॉ, एंड नेक्स्ट जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, नेक्स्ट है या लास्ट है होटल मैनेजमेंट। उसके बाद है यहाँ पे आर्ट, जैसे अगर मुझे MA में करना है तो MA हिंदी से रिलेटेड कुछ बेसिक डिटेल दी गई है। फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की क्या क्या रिक्वायरमेंट है कोर्सेज से रिलेटेड, वैसे ही इधर कॉमर्स से रिलेटेड है, जैसे MCOM के लिए डिटेल चाहिए तो ये डिटेल है, और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है। और यहाँ पे BGMC, तो सिर्फ बेसिक डिटेल दी गई है, तो ये आप चेकआउट कर सकते हैं। इतने साल का कोर्स है, इसके बाद होता है, इतनी रिक्वायरमेंट चाहिए, और ये एलिजिबिलिटी है जी। तो उसके बाद है डिपार्टमेंट में हम आएंगे तो PhD सेल आपको मिलेगा, जो कि अभी कुछ अपलोड नहीं है। उसके बाद यहाँ पे आएंगे फैकल्टी की डिटेल, यहाँ पे दी गई है जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है उनके बारे में यहाँ पे ये बताया गया है। और तो यहाँ पे नहीं है, उनकी तरफ से जो डिटेल है वो दी गई है। फिर है गैलरी, तो जो भी यहाँ पे एक्टिविटी हुई, फंक्शन या जो भी लैब की कुछ फोटोग्राफ है तो यहाँ पे दी गई है। करियर से रिलेटेड, अगर आप यूनिवर्सिटी में एज ए फैकल्टी, एज ए टीचिंग, नॉन टीचिंग ज्वाइन होना, अपॉइंट होना चाहते हो, तो आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। ऑफिशियल मेल ID यहाँ पे दिया गया है, तो आप अपना रिज्यूम अपलोड कर सकते हो या सेंड कर सकते हैं। और जो भी अगर यूनिवर्सिटी के मैनेजमेंट को आपकी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग सही लगा तो वो आपको अपॉइंट करेंगे, या इनके कॉन्टेक्ट नंबर भी है, वहाँ पे भी आप कॉल कर सकते हैं। फिर है फी स्ट्रक्चर, तो डिफरेंट आप जैसे BA की कोई भी कोर्सेज है, जैसे BA है तो इसके पास NM जो फीस है वो 18,000 है, एडमिशन और प्रोस्पेक्टस फीस लगभग 2,950 है, और ये लगभग जो 55 से 60,000 की समथिंग पड़ेगा।
कॉमर्स। जी तो यहाँ पे ये डिपार्टमेंट वाइज दिए गए हैं फी स्ट्रक्चर। जी तो ये यहाँ पे है। उसके बाद है कॉन्ट्रेक्टर्स। तो यहाँ पे दी यूनिवर्सिटी का एड्रेस, ऑफिशियल नंबर, ऑफिशियल मेल एड्रेस, लैंडलाइन नंबर, और यहाँ पे मैप वगैरह दिया गया है। जी तो ये सब आपको बताया। इधर आप PhD से रिलेटेड नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं, यहाँ पे अगर ओपन करते हैं। जी तो ऑलरेडी स्टार्टेड है और अभी भी अवेलेबल है, अगर कोई ज्वाइन होना चाहते हैं 15-7 तक, लगभग अभी भी 1 वीक का टाइम है, तो आप ज्वाइन हो सकते हो। और एग्ज़ाम डेट 6/8 है, यानी कि अगले महीने की रहेगी एग्ज़ाम। और अप्लाई के लिए यहाँ पे PhD, जी तो ये था फॉर्म PhD के लिए, तो आप यहाँ पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपको फिर भी डाउट लगे, जो इनके ऑफिशियल नंबर होंगे तो उन पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे ये नंबर है, 10 से 6 बजे के बीच में आप कांटेक्ट कर सकते हैं। यदि आपको रसीद या फॉर्म कॉपी प्राप्त नहीं हुई तो आप तो ईमेल आईडी या मोबाइल SMS चेक करें, जिसमें जो अमाउंट डिडक्शन का मैसेज होगा, फिर उसे नेम राशि के साथ यहाँ इस नंबर पे भेजें या मेल कर दें, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है। जी तो ये थे कुछ बेसिक डिटेल फॉर्म से रिलेटेड। फिर स्टूडेंट लॉगिन, अगर आपने ऑलरेडी ज्वाइन किया हुआ है तो आप डायरेक्ट लॉगिन कर सकते हैं किस कोर्सेज के लिए। तो यहाँ पे कोर्सेज के नेम दिए गए हैं, और नंबर सबमिट करके और डे ऑफ भी डाल के आप लॉगिन कर सकते हैं। ऑनलाइन एग्जाम फॉरम, तो ये भी आप लॉगिन करके दे सकते हैं। उसके बाद रिजल्ट, अगर आपने चेक करना है कि रिजल्ट आया है नहीं आया, तो यहाँ पे सिर्फ PhD का ही अपलोड है, तो यहाँ पे आप जो लास्ट रिजल्ट है वो आप देख सकते हैं। फिर है सिलेबस, अगर आपको सब्जेक्ट वाइज सिलेबस चाहिए, जैसे हम यहाँ पे BSc का देखते हैं, जी तो यहाँ पे ये सिलेबस दिया गया है, लगभग 100 से ज़्यादा पेज का है, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। फिर RTA, अगर RTA लगाना चाहो तो जो भी रूल है उसके बेस पे आप वेरीफाई कर सकते हो। अकेडमिक कैलेंडर, ईयरली या सेमेस्टरली दोनों हैं, तो जो भी आपको चाहिए वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। टाइम टेबल चाहिए, एग्ज़ाम टाइम टेबल, तो यहाँ पे PDF है, तो यहाँ आप यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद है स्कॉलरशिप, नोबल नोडल ऑफिसर, तो ये इनके ऑफिसर के नंबर हैं, आप डिटेल ले सकते हैं। TNP ऑफिसर, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर, जो अगर आपको इनसे रिलेटेड कोई डिटेल चाहिए, प्लेसमेंट से रिलेटेड, कॉन्टेक्ट नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। फिर है डाउनलोड एडमिट कार्ड, अगर आपको एडमिट कार्ड चाहिए डाउनलोड करना है तो आप लॉगिन करके डाउनलोड कर सकते हैं। टाइम टेबल, जी तो ये सब यहाँ पे दिया गया है। तो ये था अप्रूवल, आप अप्रूवल डाउनलोड कर सकते हो। कोई पॉलिसी या रिफंड पॉलिसी देखनी है, चेकआउट करनी है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो कितनी होगी, किस बेस पे होगी, एलिजिबल हो या नहीं हो ये माना जाएगा। तो ये थी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कुछ बेसिक डिटेल। होप ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कर सकते हो।
आज के लिए इतना ही था, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और जो कॉलेज की डिटेल रह गई है वो किसी और दिन जब कॉलेज की शुरुआत करेंगे तब आपको बताया जाएगा या किसी और दिन। तो आज के लिए इतना ही था, थैंक यू फॉर वॉचिंग।